नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब टर्मिनेशन के बारे में। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है और अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं कि मेरी जॉब छोड़ दी है मैंने या मुझसे जॉब से निकाल दिया गया है। मतलब जॉब टर्मिनेशन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बनते हैं मगर कई बार कुंडली में हम देख रहे होते हैं कि दशा के अंदर ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं कि हमारी जॉब छूटने वाली है या हमारे को जॉब से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद भी टर्मिनेशन नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में प्लैनेट्स दिख ही नहीं रहे होते कि कुंडली अगर हम चेक करें तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता मगर उसके बाद भी जॉब टर्मिनेशन हो जाता है। तो कई बार कन्फ्यूजन्स आती हैं मगर जॉब टर्मिनेशन होता क्यों है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो तीन चार वजह हो सकती है जो मैं कैलकुलेट करता हूँ या मैं समझता हूँ, तो उसी बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जॉब छूटने के अब दो तरीके से जॉब छूटनी हो सकती है। एक हम मानते हैं कि हमने खुद छोड़ी है। अब हमने खुद छोड़ी है तो उसके छोड़ने की कई वजह हो सकती हैं। एक कि हमें आगे कोई अच्छी ऑफर मिल रही है या अच्छी कोई जॉब मिल रही है और हमने उसके लिए अपनी करंट जॉब छोड़ दिया, हमने खुद रिज़ाइन कर दिया। अब अगर हमारी आने वाली अपकमिंग दशा अच्छी है तो हमारे लिए वो बेटर होता है, मगर अगर वो कॉम्बिनेशन छोड़ने के हैं और साथ में नेगेटिव चांसेस बने हुए हैं और अपकमिंग दशा इसका मतलब आने वाली ठीक नहीं है तो वो आपके लिए नेगेटिव होता है और वो आपको पता बाद में चलता है। ऐसे चांसेस कब बनते हैं, एक बेसिकली बनते हैं राहु केतु के पीरियड में, कि राहु केतु और शनि के पीरियड के अंदर पहले तो प्लैनेट समझ लीजिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लैनेट्स इसमें रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो जॉब टर्मिनेशन के या छोड़ने के, वो हमारे सेपरेटिव्स होते हैं। सबसे पहले राहु केतु और शनि, कि इसके अंदर क्या होता है सेपरेशन की, जॉब छोड़ने के, जैसे आपने मन बनाया होगा काफ़ी टाइम से, तो ये डिसीजन के अंदर हेल्प जो करते हैं वो राहु केतु शनि करते हैं। अचानक टर्मिनेशन हो जाए, अचानक आप अच्छा वाला काम कर रहे हैं और आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, आपको अचानक बोल दिया जाता है कि जी कल से आप मत आइएगा या सर्विसेज आपकी छोड़ दी जाएगी, तो वो भी राहु केतु शनि, क्योंकि कुछ भी अचानक होता है तो वो राहु केतु के अंदर होता है। तो ये दोनों तीनों के लिए राहु केतु शनि जिम्मेवार है। एक सन भी हम ले सकते हैं, सन हम पॉजिटिव सेपरेशन में लेते हैं कि हमारे को सन के पीरियड में अगर हमारा हम जॉब छोड़ते हैं या टर्मिनेशन होता है तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, क्योंकि आगे जाके हमारे को अच्छे जॉब मिलने के चांसेस बन जाते हैं। एक कॉम्बिनेशंस की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, कि अगर हम खुद जॉब छोड़ते हैं और हमें पता नहीं है कि आने वाली दशा कैसी है या हमारा इल्यूजन्स है, हमें मान लीजिए राहु केतु के अंदर इल्यूजन्स पैदा हो गई हैं और हमें घबराहट शुरू हो गया, एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया है, क्योंकि ये न्यूमोलॉजी से चेक किया जाता है। एंग्जाइटी लेवल अगर हमारा बढ़ गया है कि हमारे को समझ नहीं आ रहा, हमें कन्फ्यूजन्स है छोड़ें ना छोड़ें, और एंग्जाइटी लेवल में हम कभी सामने वाले के पास चले जाते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट ही था, उसकी अच्छी बड़ी जॉब चल रही थी, उसका पैकेज बहुत अच्छा था, एक अच्छी एज में, मतलब 48 के आसपास एज थी, 48 के अंदर उनको एक अच्छा पैकेज मिल रहा था और स्विच करना उनके लिए ठीक नहीं था, तो मेरे पास आए थे, तो मगर उनका एंग्जाइटी लेवल बढ़ा हुआ था। मैंने उनको बोला कि जॉब मत छोड़ना, जॉब आपके लिए ठीक है, आने वाली दशा ठीक नहीं है तो आप जॉब छोड़ना ना, मगर एंग्जाइटी लेवल बढ़ते के चक्कर में उनसे कोई यंग और जूनियर आया था जिसने अप्लाई किया था और उनको उनसे ऊपर थोड़ी सैलरी मिल गई, तो उनको अपनी सैलरी से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी जो उनका असिस्टेंट था या जूनियर था उसको ज़्यादा सैलरी की वजह से था। तो इस वजह से उन्होंने बॉस से बात की और उनकी टर्मिनेशन हो गई और उनको मना कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये एंग्जाइटी ने आपको करवाया। तो ये तो न्यूमोलॉजिकली एंग्जाइटी हम चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली वो चांसेस और कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं। देखिए, अगर फिफ्थ हाउस का कनेक्शन एट्थ हाउस के साथ बनता है और ट्वेल्थ हाउस के साथ बनता है, ये तीनों कनेक्शन जब भी बनते हैं तो ये तीनों कनेक्शन जो होते हैं ये जॉब टर्मिनेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये तो कुंडली बड़ी सिंपल है, इसमें आसानी से बन गया कि आपने एक्वेरियस के अंदर देख रहे हैं कि फिफ्थ का लॉर्ड और एट्थ का लॉर्ड ट्वेल्थ में है, मगर ऐसा नहीं होता, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई बार फिफ्थ का लॉर्ड होता है ट्वेल्थ में बैठा होता है और एट्थ के नक्षत्र में बैठा होता है, कई बार एट्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड एक होता है तो फिफ्थ के नक्षत्र में बैठा होता है, तो कहीं ना कहीं से नक्षत्र और सब लॉर्ड के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, फिफ्थ हाउस का एट्थ हाउस के साथ, एट्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस के साथ, तो ये कनेक्शन बन जाता है। इसकी एक बड़ी और कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा कि ये गोचर में कैसे वर्क करता है, अभी ध्यान से समझिएगा। दूसरा, अगर ये तो हो गया कि हमने खुद हमारे को एंग्जाइटी हुई और हमने खुद जाके रिजाइन कर दिया या कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया, बुद्धि खराब हो गई ना, फिफ्थ हाउस बुद्धि होगी, बुद्धि खड्ड में चलेगी, एट्थ हाउस खड्ड में चलेगी, तो बुद्धि खड्ड में जाएगी तो आप ऐसे हरकतें करेंगे, पंगे लेंगे और
ऐसी जम्प्स की कोशिश करेंगे जो जम्प्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगी, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर सुन लिए या मोटिवेशन ले ली कहीं से, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ी या आपके अंदर जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ी, तो एक्साइटमेंट जो होती है वो कई बार हमारे को नुकसान करती है। पॉजिटिव प्लैनेट्स हों तो ठीक है, नहीं हों तो फिर वो एक्साइटमेंट नुकसान करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है कि जब हमारे को निकाला जाए, निकाला जाना है कोई कंपनी के साथ लॉसेज हो गए हैं, वो आपके लॉस लिखे, तो वो कनेक्शन बनता है सिक्स्थ हाउस का, एट्थ हाउस को, ट्वेल्थ हाउस के साथ। खुद छोड़ना फिफ्थ हाउस का, एट्थ हाउस के, ट्वेल्थ के साथ। अगर निकाले जाना या जॉब कंपनी बंद हो जाना या ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाना, तो वो सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के साथ ये कनेक्शन बनते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया कि हमने दशा और अंतरदशा में देख लिया कि दशा में ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया, अंतरदशा में जब आया तो वो एक कैलकुलेशन है कुंडली वाइज, वो अलग चीज़ है। अब ये कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए दशा में और अंतरदशा में आ गए तो आपकी जॉब छूटने के चांसेस बन गए। एक कॉम्बिनेशन और बनता है कि जैसे जितने आपके मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य भी कई बार ले लेते हैं, अब ये जो प्लैनेट्स हैं अगर ये आपके गोचर में ट्रांजिट के अंदर आपकी कुंडली में छठे, आठवें और बारहवें भाव के रिजल्ट दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अभी कन्या लग्न की अगर आप कुंडली ले लें तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर जो शनि है वो यहाँ पे है और राहु जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो छठे और आठवें में आ गए। अगर आप इनकी दृष्टि भी देखें तो इसकी दृष्टि शनि की आठवें पे भी है और शनि की दृष्टि बारहवें पे भी है, तो लॉस के कॉम्बिनेशन और जॉब छूटने के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। मगर अगर आपकी दशा के अंदर नहीं है तो ये जॉब नहीं छूटेगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट पे ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी दशा में है तो आपकी जॉब छूट जाएगी जैसे शनि यहाँ एंटर करेगा। शनि जैसे एंटर करा या राहु यहाँ से उल्टे से एंटर करा, तो राहु अगर एंटर करा या शनि एंटर करा तो ये जॉब छूट गई आपकी। मगर अगर आपकी दशा और अंतरदशा में जॉब छूटने का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके अंदर समझ लीजिए आपकी लाइफ के अंदर जॉब से रिलेटेड हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगी, जैसे कहते हैं ना हिचकोले खानी शुरू हो जाएगी। अब आपकी कन्फ्यूजन, आपको लगेगा कि मेरी जॉब छूट सकती है, मेरे को निकाला जा सकता है, या मेरा मन उचक गया है जॉब से, या मेरा जॉब अब नहीं करनी है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकते हैं। वो कहते हैं ना शनि का प्रवेश इस राशि के अंदर, शनि का प्रवेश, तो वो जो राशियों के अंदर प्रवेश होता है, तो अगर कन्या लग्न के अंदर हम देखें तो कन्या लग्न के अंदर इस टाइम पे ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है, इसकी वजह से क्या है कि जॉब छूटेगी नहीं। अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो छूटेगी नहीं, मगर बादल बने रहेंगे, तो आपको लगेगा बारिश अभी हो रही है, अभी हो रही है, अभी हो रही है, बारिश नहीं होगी। इसलिए घबराइए मत, परेशान मत होइए, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को फाइट करने की कोशिश कीजिए, उन प्रॉब्लम को फाइट करने की कोशिश कीजिए, तो घबराने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होएगा। जॉब छूटनी है छूटेगी, आप अपनी आने वाली दशा को देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं कि आने वाली दशा अच्छी है तो जॉब छूटेगी तो आपके लिए बेटर है, नहीं तो सबसे पहले आपको वर्क करना है। देखिए जो कंपनी से अपने आप बंद हो रही है वो एक अलग चीज़ है, मगर आपको फोकस करना है कि जब बुद्धि ख़राब हो तो अपने आप को बड़ा ही शांति से काम लें, ये बड़ा सोच समझ के, कि मतलब इसमें सबसे पहला उपाय ये है कि अकेले में बैठ के अपने आप को सोचें, एक्स्ट्रा मोटिवेट ना हो, एक्साइटमेंट से दूर रहें, एक्सरसाइज, मंत्र जाप, भगवान की प्रार्थना, ये आपको बचा सकती है, यही चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। आई थिंक मैंने कवर कर लिया जो मेरे को बताना था, लिख लेता हूँ क्योंकि मैं भी कई बार भूल जाता हूँ कि क्या मुझे बोलना था, और वीडियो में सारी चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि कहीं से देख के तो बोलना नहीं होता, तो ये भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने बैठा हूँ तो वीडियो भी मतलब एडिट और पॉज भी नहीं होता अपने से, तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समझ।